गाइस ये हमारा जो हसद है इतना शैतान हो गया बहुत ज्यादा। अभी देखिए क्या किया इसने, ये इसने अलमारी खोली और यहाँ से पूरे ये दाल का डब्बा पूरा खोल के सारे में ये दाल गिरा दिया। बेटा हट जाना, हट जा बेटा, असद हट जाओ आप, हटो बेटा हटो यहाँ से, मम्मा साफ कर रही है, हटो यहाँ से जल्दी से। आया तो उसको पकड़ ले बस। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? तो न्यू डे न्यू ब्लॉग, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं अब जैसे ही अभी ऑफिस से आया, आते ही जब खाने के लिए मैं गया तो आज हमारे साथ में पोपट हो गया। तो भाई लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि कॉपी कर रहा है किसी और की, मैं भाई कॉपी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़ुबान पे आ गया तो मैंने बोल दिया। तो हुआ क्या कि वाइफ ने खाना बिल्कुल रेडी कर लिया था, लेकिन खाना रेडी करने के बाद में वो जो है नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। नमाज़ पढ़ के जैसे ही वो वापस आई तो उन्होंने जो है दाल उगड़ी हुई छोड़ दी, ढका नहीं मतलब उसको, और उसके पास से एक छिपकली का बच्चा गुजर गया। जब उन्होंने वापस जाके देखा तो उसके पास एक छिपकली का बच्चा बैठा हुआ था। अब वाइफ कंफ्यूज, उन्होंने मुझसे पूछा अब क्या करें। मैंने कहा भाई तुम्हें क्या करना है ये बताओ, कि भाई मेरा तो मन नहीं लेगा उसको खाने के लिए। मैंने कहा मन नहीं लेगा तो भाई फिर से बनाओ। तो अब जो है फिर से बन रहा है खाना। और हाँ जी, तो बन चुका है खाना फिर से हमारा। हाँ जी, तो दोबारा उसे खाने का दिल नहीं कर रहा ना, वो गर्म है लेकिन नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी। हाँ भाई, गया हो या नहीं गया हो तो रिस्क लाइफ के साथ रिस्क नहीं। छोटे बच्चे और खाते हैं, छोटे बच्चे क्या, हम भी छोटे ही हैं अभी, अभी हमने कुछ नहीं देखा, अभी चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ हमारा। मैंने भी कुछ नहीं देखा, अभी हमारा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ। भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से मोनेटाइज हो जाए चैनल हमारा। हाँ भाई, यार भाई भूख तो नहीं लग रही, थोड़ा सा लेट हो गया है, कोई बात नहीं, दोबारा अगर मम्मा उसको ढक देती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक सेकंड के लिए गई थी मैं बस, आके देखा तो वो ऐसे, तो वो इसके साथ में था, मतलब इसके ऊपर था, दूर था, दूर था। चलो यार कोई भी कुछ भी हो, रिस्क नहीं। मैं सोच रहा था जल्दी खाना खा लेंगे, टहलने चलेंगे, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, अभी टहलाओ, खाना बाद में खा लेना। मैं खाना बन चुका, सिर्फ दाल छोकनी बाकी, बस मैं छोक रही हूं। ओके, खाना रेडी है बिल्कुल एकदम। हां, चावल तो मेरे बन गए। अच्छा, दाल छोकनी है बस। हां, दाल। तो अब फिर से तैयारियां चल रही हैं सारी दाल को छोकने के लिए। और यहाँ गर्म हो रहा है, प्याज और हरी मिर्ची कट रही है, फटाफट से कर दो यार, रात तो जान निकल गई भूख के मारे। आज पता है मैंने भी कुछ नहीं खाया है। बस तुमने भी कुछ नहीं खाया और हमें खाने नहीं दिया। दाल में छोंक लग रहा है, वहां रुकना मुश्किल हो गया था, वहां पे तो कहीं नहीं जा रहा वहां पे। एनीवे, तो मंडे को असद का बर्थडे है और उसके बर्थडे की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। उसको गिफ्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, दो गिफ्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, वो एक हमारे सर हैं उन्होंने भिजवाए हैं, दो गिफ्ट तो आ गए हैं, अभी दो और आने हैं, अभी संडे में उन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं तो दो और आने हैं, तो एक ही साथ सबको अनपैक करेंगे और देखेंगे किस में क्या क्या आया है। अभी तक हमने ओपन भी नहीं किए हैं, वो क्या है क्या नहीं है, अभी वो ऐसे ही सील पैक रखे हुए हैं, ऐसे ही रखे हैं, अभी तो नहीं ओपन किया ना, अभी नहीं करे, ऐसे ही रखे हैं, सील बिल्कुल सील पैक रखे ना। हाँ, तो एक ही दिन अनपैक करेंगे सबको, जितने भी गिफ्ट आएंगे सबको, तो मंडे हाँ, मंडे का तो बर्थडे ही है। हाँ, मंडे को ही खोलेंगे। हाँ, तो मंडे ही ओपन करेंगे सारे। असद, आपका बर्थडे आ रहा है मंडे को, फिर आप कैसे करोगे? बर्थडे टू यू। भाई देख तो यू, ऐसे करोगे, ऐसे आपको डांस आता है सर? डांस दिखाओ करके, कैसे डांस करते हो आप? ओई भाई वाह, पट शॉट लग जाएगी उसको, हेड पे लग रही है, पट कर दे, ओ देख देख, ओ ओ नो 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 नो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते। हसद क्या कर रहे हो आप? चिट्ठी खा रहे हो? चिट्ठी लिखा रहा, बहुत झूठा है, मुंह पे कुछ
याद अभी मैंने पैर पकड़ लिया इसका। हाँ बेटा आपने सारे में नमकीन कर दी, अब आपको माऊ खाएगी। देख ये री माऊ भूत बन जाएगी अभी। बूम पाते से कुछ नहीं होता भूत, भूत फालतू की बात मत करो बच्चे से। इसको डरा रहा हूँ मैं। नहीं डराते नहीं बच्चों को, डरता ही नहीं है। पापा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। खाना खाएंगे? हाँ दस्तरखान बीत गया भाई, खाना खाना खाएंगे। आ जाओ नीचे, आ जाओ आओ नीचे आओ, खाना खाएंगे। आ जाओ उतरो नीचे उतरो। अरे यार इसे क्यों फेंक दिया, उठाइए उसको। असद आप बदतमीजी कर रहे हो बाप। अयाज रहने दे यार, मत कर परेशान, मत छोड़ दे उसको, जो कर रहा करने दे उसको, वो भी फिर खाना भी नहीं खाने देगा वो। आओ नीचे आओ, खाना खाएंगे जाओ। बताऊंगा भी हेडशॉट करवाऊंगा भी। असद क्या कर रहे हो आप, ये मम्मा का काम बढ़ा रहे हो आप। अभी अभी पोछा लगाया मम्मा ने, ये देखिए ये इसने अभी ये सब बिखेर दिया फिर से, अभी पोछा लगा गई इसकी मम्मा। देख अब आपको पिटाई लगेगी, देख ऐसे आपको पिटाई करवानी है क्या अपनी? सब फेंक दो, सब फेंक दो। बस रुक जाओ अभी बताता हूँ, रुक जाओ अभी। तुम्हारा खाना आ गया है तो दाल बन गई फाइनली हमारी सही से। चलो सही बनी है इस बार तो नहीं आई छिपकली आसपास, कहाँ से आ गई छिपकली, तो हमारे घर में है भी नहीं। वो कोई वाला बच्चा था जो दो तीन दिन से आप ढूंढ रहे थे, उसको ताड़ू से निकाल दिया था घर से बाहर। पता नहीं ये बच्चे दिन भर गेट खुला छोड़ देते हैं, कितनी बार खुला रहता है गेट, मेन गेट। अरे यार तो वहां से आ गई होगी या ऊपर जाल में से आ गई होगी, हो सकता है। छोड़ो कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो, अपने खाने पे ध्यान दो और अपना खाना फिनिश करते हैं फटाफट। ठीक है भाई साहब जल्दी खाओ। असद भाई असद आप में सच में खाते वक्त जरूर बैठना इसको बोर्ड में। जी जी खाओगे? खा लो, अलग बैठोगे तब भी खिला सकते। वेरी गुड। तो खाना खाते टाइम हमेशा असद को अपनी मम्मा के गोद में बैठना होता है, कहीं भी खेल रहा हो खाने के टाइम पे तुरंत गोद में आकर बैठ जाएगा। वो बेचारी पूरे दिन काम करेंगी और खाने के टाइम पे वो गोद में बैठ जाएगा, ना वो खुद खा पाती है और ना ही उसको खिला पाती है। गाइस अपना तो खाना पीना हो गया है मस्त, ये लोग अपना लगे हुए हैं, खा लो भाई जल्दी से। हाँ भाई असद भाई आ जाओ मेरे पास, आप ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो, आपकी पिटाई करनी पड़ेगी आपकी, है ना, ज्यादा बदतमीज हो गया कुछ। तो भाई ये हमारा जो असद है इतना शैतान हो गया बहुत ज्यादा, अभी देखिए क्या किया इसने। ये इसने अलमारी खोली और यहाँ से पूरे ये दाल का डब्बा पूरा खोल के सारे में ये दाल गिरा दिया। बेटा हट जाना, हट जा बेटा असद, हट जाओ आप, हटो बेटा हटो यहाँ से, मम्मा साफ कर रही है, हटो यहाँ से जल्दी से। आया तो उसको पकड़ ले बस, एक काम तैयार रखता है हमेशा। एक क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है। एक काम हमेशा बढ़ा के रखेगा, कभी इधर कभी इस रूम में कभी उस रूम में, कभी उधर फैला के आएगा कभी इधर फैला देगा। असद ने सबको काम पे लगा रखा है, सबके काम बढ़ा दिए, दिन पे दिन काम बढ़ाया जा रहा है। हाँ जी कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। ये भाई इधर गंदा कर, फिर गंदा कर दिया, वो वाला वो फिर गंदा कर दिया, अब इधर कर दिया। भाई साहब चाहते क्या हो? छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, वो तुम्हारा बिखेरेगा ना, अब नहीं बिखेरेगा, नहीं बिखेरेगा। असद आपकी पिटाई करनी पड़ेगी अब हमें, पिटाई कर दूं आपकी? और इतनी स्पीड से काम बिगाड़ता है ना, क्या हुआ क्या हुआ?
बेटा आपकी पिटाई करनी पड़ेगी, क्या करना चाह रहे हो? इसे माओ को दे दो, माओ को। आज तो इसकी शैतानियाँ कुछ ज्यादा ही हो रखी है। सुबह रात के बजे हैं 11 और अब सोने का टाइम हो गया है बच्चों का सबका। सो जाओ भाई अब जाके, अभी भी नहीं सोओगे जाके? तो गाइस मुझे तो नींद आ रही है, इनको आए या नहीं आए, तो इनको करोड़पति देखो या जो तुम्हें देखना वो देखो, कोई मना नहीं कर रहा तुमसे, जो तुम्हें देखना देखो। हाँ जी हाँ, तो अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड। वे आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।